हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज का मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना, और बस एक दिन का वीडियो इतना ही बनाया था। ये मूली की भुजी है, उसके साथ में दही और रोटी। आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए हमारे साथ में सिंपल सा खाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं नहा के ना पूजा करके आई हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। छोटी सी बिंदी लगा लेते हैं, तो ज़्यादा छोटी नहीं होगी, दिख भी नहीं रही। अच्छा कोई नहीं, और अभी बस नहा के पूजा की है, अब ये करेंगे नाश्ता पानी और आप लोगों से बातचीत। उतर भी गई। अभी ना मम्मी शायद कहीं बाहर गई हुई है, अब मुझे गोपाल जी को भोग लगाना है। तो पता नहीं कुछ रखा है, शायद होम फॉइल में ना थोड़ा सा सेब है, तो वही गोपाल जी को काट के रख देती हूँ मैं। किसी देर नहीं बैठ जाती हूँ गोपाल जी के पास ही। अभी मुझे अपनी दवाई भी लेनी है और शायद पानी भी नहीं है। मम्मी पता नहीं कहाँ गई हैं, फ़ोन वोन तो है नहीं। अभी देखती हूँ पानी वानी लूँगी और उसके बाद दवाई लेनी है, क्योंकि मुझे ना सुबह की दवाई है, उसके लिए बहुत लेट हो जाता है सुबह का नाश्ता। और मतलब मन नहीं करता मेरा सुबह सुबह ना खाने का, तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, सारे सूट जितने भी कपड़े हैं सब ढीले हो गए हैं। और पता नहीं कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं, घर में से ना अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे बारिश के बाद नहीं आती वो वाली। तो चलो जी अपने भगवान जी के पास। तो और आज आप लोगों के साथ ना इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, और वो टाइम तो हो चुका है, काफ़ी दिन हो गए हैं। अभी ना ये सेब में यहीं पे रख लेती हूँ और अपना लाती हूँ मैं अभी पानी, क्योंकि मुझे दवाई लेनी है, बहुत लेट हो जाएगा फिर। अभी देखती हूँ अंदर रखा है पानी या बाहर है, बाहर ही है पानी, तो गिलास ले लेती हूँ मैं ना एक। मैं ले लेती हूँ पानी। मांटू की दवाई चल रही है उसकी पेट की, और मुझे नहीं लगता कि वो कई दिन से दवाई ले रही है लड़की। चलते हैं, गेट बंद कर लेती हूँ, बंदर है ना बहुत ही ज्यादा। चलो जी पानी भी ले लिया। आप लोग ना यकीन नहीं करोगे, सारी चीज़ें कुछ लोग बोलते भी हैं कि सारा दिन क्या बीमारी 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 करती रहती है। तो मुझे लगता है कि जो सिचुएशन में, अब देखिए मैं क्या क्या किया है, मैंने सिर्फ एक गिलास पानी लेके आई हूँ, उसी में मैं हाँफ गई हूँ। और मुझे जो लगता है ये सभी के साथ में होंगी चीज़ें, जिस सिचुएशन में इंसान होता है उसी को वही दिखती है ना।
अब जिस सिचुएशन में मैं हूँ, जिस हालत में मैं हूँ, मैं उसी हालत में शायद आप लोगों को दिखूंगी भी और उसी चीज़ के बारे में शायद मैं जिक्र करूंगी। अब हूँ तो मैं बेड पे, तो वो तो मैं कर नहीं सकती है ना कि बहुत सारी चीज़ें उससे अलग दिखाऊँ। जिस सिचुएशन में हूँ वही सिचुएशन दिखाऊंगी ना, वही सिचुएशन बताऊंगी ना, तो वो वाली चीज़। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुझे कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है, क्या बीमारी है तुझे, सारा दिन बीमारी करती रहती है। तो यार जिस सिचुएशन में इंसान होता है ना वही निकलती है बार बार ना। और दवाई का पोथला भी ना बहुत बड़ा है ये। चलो पहले दवाई ले लेती हूँ, बाद में करूँगी। यहाँ पे आप लोग चंचल को देख लीजिए। पहले तो देख रहे हो आप लोग, चंचल से काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हो। और अभी मैं कुछ और भी आप लोगों को आगे दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो आप चंचल से मिलिए, ठीक है? अभी चलते हैं आगे, थोड़ा सा स्लोली दिखाएंगे। आप लोग देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, है ना? चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी चंचल के छोटे छोटे से बच्चे। हाँ जी, हमारी चंचल की डिलीवरी हो गई है अब से 13 दिन पहले। और देखिए कितने क्यूट क्यूट से चंचल के बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं चंचल के और बिल्कुल चंचल के 2 कॉपी है। देखिए कैसे ना वो दूध पी के सोए हुए हैं ये। इस टाइम ना ये बिल्कुल छके हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। दुनियादारी से बहुत ख्याल रखना पड़ता है सच में, कहीं एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा ना बैठ जाए, कहीं दब ना जाए। और देखिए ये कैसे इसके ऊपर आ रहा है। और ये वाला क्लिप किस दिन का है? ये वाला क्लिप उस दिन का है जिस दिन चंचल की डिलीवरी हुई थी, उसी दिन के छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये उस दिन का है। अभी तो देखिए जब मैंने पहले दिखाया ना आप लोगों को, तो थोड़े से बड़े हो चुके हैं, आँखें भी खुलने लगी। और मुझे तो सच में चंचल को देख के बहुत वो आ रहा था। मैंने कहा ये इतनी समझदार कैसे होगी, मतलब बहुत प्यार करती है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा। नहीं ले जाने, बच्चे नहीं ले जाने। इनके ऊपर बैठा बैठी भीतर बैठने को जी नहीं करता। गर्मी लग रहा है। बैठ जाए। गेट बंद कर ये सामने के। गेट बंद कर गाना। वाले का मेन की नजर।
तोते बना तोते थे जिससे माजी बना रही टिकड़ी। और यहाँ पे ना जैसे कि सांझी लगने वाली है, नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो मम्मी उसके लिए ना टिकड़ी बना रही है यहाँ पे घर पे। सांझी तो अब जैसे सब मोल की ही लाते हैं, पर उसके साथ में टिकड़ी और एक दो चीज़ें और बनती हैं वो नहीं मिलती हैं। तो मांटू भी कोशिश कर रही थी बनाने के लिए अपने माँ जी के साथ में, उससे नहीं बनी। और ये यहाँ पे टिकड़ी बन जाएंगी क्योंकि है दो तीन दिन तो ये सूख जाएंगी, फिर इसमें ना कलर वलर कर लेंगे। और यहाँ पे ये हमारी टेबल आ चुकी है, ये टेबल हमारी मेरठ ही रह गई थी तो आज ये भी आ गई फाइनली। टेबल वहीं पे रह गई थी हमारी, आज आई आज। मैं कह तो कई दिन से रही थी इन्हें टेबल को ना, तो उनको भैया को ही बोला हुआ था पर कहाँ किसी को टाइम लगता है, तो आज ये टेबल लेके आए हैं। एक दो पार्सल भी रखा हुआ था वहाँ पे क्योंकि अभी वहीं का एड्रेस चल रहा है कुछ जगह ना, तो वो भी लाए हैं। कल देखती हूँ मैं, कल ना हेयर वॉश करूँगी अपना, और अभी आए हैं, काफ़ी लेट भी हो गया है आज। ड्राइव बस रहने दो सर, ये इतना बड़ा था इस पर कहाँ अच्छा लग रहा। तो अभी मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, है ना। चंचल के बच्चे कैसे लगे आप लोगों को, और उसकी पूरी देखभाल हो रही है, मम्मी पापा, मम्मी तो नहीं ज़्यादा, पापा जी जो है उसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। और उसको ना 13 दिन हो चुके हैं, मैं 13 दिन बाद आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर, क्योंकि मैं खुद ही ठीक नहीं थी तो इसी वजह से वो चीज़ मैं नहीं शेयर कर पाई। और 13 दिन के बच्चे हो चुके हैं, उसमें से 3 बच्चों की तो आंखें भी खुल चुकी हैं, और टोटल 7 बच्चे हैं हमारे चंचल के। और मम्मी मेरी ये बोलती है कितनी समझदार है, इतनी समझदार है, मतलब हमने, मम्मी मेरी ये बोली कि हमने आज तक इतना समझदार कुत्ता नहीं देखा, मतलब कि उसको पता होता है कि कब दूध पिलाना है, कौन सा बच्चा मतलब पेट भर गया है, दूसरा भूखा है, मम्मी ने कही सब अपने आप ही करे, जो उनसा छक जाएगा ना दूध पी लेगा तो उसको हटा के अपने सामने बिठा लेगी, दूसरे को मतलब दूध पिलाएगी। बहुत ज़्यादा मम्मी कह रही बहुत ज़्यादा समझदार है तेरी चंचल तो। और अभी कुछ टाइम के लिए वो वहीं पर रहेगी कि उसकी दवाई वाई भी चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। और पापा तो कर भी रहे हैं, मतलब कि सारे बच्चों को भी उनके कपड़े वपड़े जो उनके नीचे डाले जाते हैं सब धुलने, डेटोल वेटोल में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि बहुत देखभाल करनी पड़ती है छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि ना ऐसा बोलते हैं कि बहुत जल्दी ना बीमारी आने का बहुत डर रहता है, तो अगर अच्छे से उनकी टेक केयर होगी ना तो कुछ भी उनको नहीं होगा। बहुत प्यारे प्यारे से बिल्कुल चंचल जैसे हैं सारे के सारे, बस एक दो वाइट है शायद उनमें, हल्के हल्के वाइट है बिल्कुल तो नहीं। और हमारी चंचल का भी फैमिली जो है वो मतलब कि पूरी, और बहुत प्यार करती है वो उनसे, कोई नहीं उनको उठा सकता, मजा ले कोई उठा ले, मम्मी कह रही किसी को नहीं उठाने देती, काटती नहीं है वो, काटती तो वो है ही नहीं, पर मतलब कि वो करती है, वो दिखाया ना मैंने भी आप लोगों को वीडियो में, इसी तरीके से करती है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मैं तो बहुत खुश हुई थी उस दिन बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को भी शायद खुशी हुई होगी, है ना। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो का एंड कर देते हैं, बेफालतू में वीडियो को बड़ा नहीं करते, जितना है उतना ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।